मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। गे होने का विचार बार बार आना। आज भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे युवा या अन्य पुरुष हैं जिनके मन में कई बार ऐसे विचार आ जाते हैं कि कहीं वो गे तो नहीं हो गए हैं, गे तो नहीं बन जाएंगे, कहीं उनका सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन तो नहीं बढ़ जाएगा। एक ऐसी ही समस्या एंग्जाइटी ग्रुप की ये समस्या है, और धीरे धीरे ये ओसीडी में भी कन्वर्ट हो जाती है। जब इंसान बार बार खुद को चेक करने लग जाता है, खुद पर शक करने लग जाता है, तो इस समस्या से एक ऐसे इंसान जिन्होंने छुटकारा पाया, क्यों ना आज उन्हीं का अनुभव जानते हैं। जी हाँ, आपको ये गे बनने वाली समस्या कितने साल से थी, जी बताइए। सर 1 साल से थी ये मुझे। देखिए जी, तो कैसे कैसे लक्षण आते थे, कैसे कैसे विचार आते थे? सर, पहले स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता था कि कहीं मैं गे तो नहीं बन जाऊंगा। जैसे कोई मैं गे देख लेता था, मैं डर जाता था कि जी मैं इनकी तरह तो नहीं हो जाऊंगा। तो ऐसे कोई साथ में होता था तो डर लगता था कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा हो मेरे साथ। तो जी ये विचार आते रहते थे मुझे कि हाँ भी यार, मैं नहीं ऐसा बन जाऊं। हाँ जी जी, जी ऐसे विचार आते थे। तो आपको लगा नहीं कि ये समस्या बहुत ऐसी समस्या है जिसे बताया भी नहीं जा सकता, तो आप हाँ कैसे सर। जीवन जी रहे थे इस समस्या के साथ? हाँ जी, पहले तो मैं वही 15-20 दिन तो मैंने किसी को बताया नहीं, मैं खुद ही करता रहा, परेशान होता रहा। फिर जी मैंने वही यूट्यूब वगैरह में मैंने देखे, मैं कैसे लक्षण हो रहे हैं। तो फिर 2-4 3-4 वीडियो देखी तो फिर मुझे पता चला हाँ भी ऐसे ओसीडी भी होती है। हाँ जी हाँ जी। तो उसके जी बाद फिर मैंने अपनी वाइफ से शेयर की बात। फिर एक मेरा फ्रेंड था, फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर जी उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे काउंसलिंग वाउंसलिंग करो। जी तो आपने दवाइयां भी खाई थी, तो उनका क्या परिणाम रहा? हाँ जी, दवाइयाँ खाई थी सर मैंने, मेरी कम से कम 2-3 महीने दवाई चली थी। तो जी उससे ये हो रहा था सर, जैसे मुझे दवाई खा रहा था तो ऐसे ना सोता था, मुझे झटके पड़ते थे। हाँ जी जी, तो ऐसे हाथ पैर मेरे कांपने लग जाते थे, तो उसके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे थे दवाई के। हाँ जी तो जी, आपको कैसे समाधान मिला या कैसे काउंसलिंग हुई, उस विषय में भी व्यूअर को जरूर बताएं। हाँ जी। उसके बाद सर वही मैंने यूट्यूब वगैरह में आपको भाई मैंने देखा, फिर आपकी वीडियोस देखी बहुत सारी मैंने। जी तो फिर उसके बाद मैंने फिर आपको कांटेक्ट किया, फिर आप ही मैंने थेरेपी ली, उसके बाद फिर मैं अभी ठीक हूँ। बिल्कुल, अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हाँ जी सर। जी, तो आप ये बताइए कि मैंने ऐसा क्या बताया जिससे आपकी यह समस्या बिल्कुल छूमंतर हो गई, ताकि दूसरे व्यूवर हैं जिनको ये समस्या है या अन्य ओसीडी की समस्या है, वो भी ठीक हो पाए। आपने सर ये कि हम ये जो थॉट आते हैं हमारे, ये आपने एक तो झूठे साबित किए हैं कि जी हाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो हमारे पास जो अंदर थॉट चलते हैं ये थॉट तो चलते ही रहते हैं, बस हमने इसे कैसे लड़ना है वो चीज आपने सिखाई है। हाँ जी जी, और आपने थेरेपी दी है शुरू में। हाँ, जी उस थेरेपी उसके के बाद द्वारा क्या क्या समझ में आया? उसमें कि सर ये जो भी हमारे थॉट चलते हैं ये सब बेकार हैं। हाँ जी जी, ये सब हम जैसे सोचते हैं वो हम बहुत ही ज्यादा उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, तो जी हमें वो चीज तकलीफ देती है। आपने वो चीज सिखाई है कि हमने इससे कैसे लड़ना है, ठीक जी है। और आपने एक हौसला दिया है कि अब जब भी मुझे ऐसे कोई थॉट आते थे तो आपने एक बात कही थी कि आप टेंशन मत लेना, अब जो भी आपके थॉट है वो मेरे थॉट हैं। तो बिल्कुल मैं यही सोचता था कि हाँ भी सर ने मुझे कहा था मैं हूँ, आपके थॉट नहीं है, ये मेरे थॉट है, अब मैं इसको मैं ही ठीक करूंगा। तो फिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता था, मैं कहा नहीं सर है, सर ने कहा था वो ठीक करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, जी बिल्कुल, आपको बहुत हौसला मिला और आपके हाँ अंदर जी, आत्मविश्वास भी आया। तो अब आपका हाँ जीवन जी। कैसा है, अब कैसे जीवन गुजार रहे हो? अब सर बढ़िया चल रहा है, अब पहले जैसे नॉर्मल था अब हाँ भी होता है। पहले तो मैंने डॉक्टर वगैरह जो मैंने कहा मेडिसिन खा रहा था, जी तो वही मैंने आपसे पहले जो स्टार्टिंग में थेरेपी ली,
जी तो मुझे तो लगा कि हाँ अभी ऐसे लग रहा था कुदरत चाहता था मैं आपसे मिलूं। जी हाँ जी, तो मैं क्या, मैंने तो सर से एक थेरेपी ली। मेरा तो जैसे ना आपने जैसे थेरेपी दी, मेरा तो सारा वही थॉट वगैरह सारे सारा कुछ निकल गया। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि हाँ अभी मुझे आपकी तलाश थी, जो आप मिल गए हो अभी। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी तलाश पूरी भी हुई। पूरी व्यू ही सर। बिल्कुल, आप भी बहुत हाँ जी, अच्छे विद्यार्थी हैं, आपने बहुत गहराई से बातों को समझा और उनको जीवन में अप्लाई किया, उसी का हाँ जी, परिणाम है कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो हाँ अंत में आप उनको क्या कहना चाहेंगे जिनके मन में गे बनने वाले विचार आते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आते हैं? मैं तो यही कहूंगा सर, दवाई दूंगी तो ये तो मैंने खा के देखा है, कुछ नहीं है। जी मैं तो यही कहूंगा कि जिसको नहीं पता वो आपकी वीडियो देखता है, चलो मैं शेयर करूंगा आगे, जिसको भी ऐसी दिक्कत होती है। क्योंकि बाकी सर हम थॉट शेयर कर लेते हैं कि हमें ऐसा है, हम गे जो थॉट है वो नहीं शेयर कर पाते। हाँ, बिल्कुल मैं तो वही कहता हूँ आपको कांटेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भी ऐसे अंदर घुटने से तो कोई फायदा नहीं है ना सर, कोई हल नहीं होता। बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करें कि बताएं कि ऐसे ऐसी दिक्कत है, तो जी भी कोई हल होगा। ऐसे तो बैठ के रहने से, ऐसे चुप रहने से तो कोई हल नहीं है सर उसका। बिल्कुल आपसे बात करेंगे, आप करोगे जैसे मुझे ठीक किया, आप उनको भी ठीक करोगे। आपकी वीडियो देख के, आप कितनी भी थेरेपी है वो भी देख के कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, जी, आप हमेशा खुश रहें और अपने जीवन में आप और भी ज्यादा तरक्की करें, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तो थैंक यू सर। बाकी सभी व्यूअर से मैं यही कहना चाहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सुना कि ये साहब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं, बस जरूरत है एक बार कदम उठाने की, जरूरत है एक बार बात करने की। अगर बात करते हैं तो समाधान पक्का, मानो।